सो नाउ स्टूडेंट्स अभी तक हमने एक रियल टाइम सिनेरियो में से एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई किया था एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया था अब अगला स्टेप ये है कि हमने अब एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप्स जो हमने अभी डिस्कस की हैं वो हमने अब क्रिएट करने हैं यानी वन टू वन वन टू मैनी मैनी टू मैनी लेकिन द कैच हेयर इज़ के हमने जो हमारा हमारा सिनेरियो है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके उसको हमने दिमाग में रखना है Uh, यानी जो डेटाबेस डायग्राम है वो ओपन एंडेड नहीं होगी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी सो जस्ट अ रिकेपर बिल्डिंग अपार्टमेंट वाला सिनेरियो है जिसके अंदर अपार्टमेंट हैं बिल्डिंग्स हैं और कस्टमर्स हैं एक फ्लोर के ऊपर मल्टीपल अपार्टमेंट भी हो सकते हैं और अपार्टमेंट नहीं भी हो सकते हर अपार्टमेंट को रेंट आउट कर सकता है कस्टमर एक कस्टमर मल्टीपल अपार्टमेंट्स को रेंट आउट कर सकता है लेकिन एक अपार्टमेंट एक ही कस्टमर रेंट आउट करेगा आसान लफ्जों में कि कस्टमर एक से ज्यादा अपार्टमेंट का रेंट दे सकता है लेकिन जो एक अपार्टमेंट है उसका रेंट एक ही कस्टमर देगा और जो महीना खत्म होगा रसीद जनरेट होगी जिसके अंदर कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी अपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन होगी और अमाउंट होगी और साथ महीना होगा जिस मंथ का रेंट हमने रिसीव में जनरेट किया तो ये हमारा एक ओवरऑल uh, सिनेरियो था तो अब लेटेस्ट ट्राई टू क्रिएट ईआरडी आउट ऑफ इट डेटाबेस डायग्राम एंड दैट वुड बी द कंप्लीट ईआरडी ये एक प्रपोज्ड सोल्यूशन है इसको आप लोगों ने फाइनल नहीं समझना इसके दो से तीन वेरिएंट बन सकते हैं अगर आप डिफरेंट एजम्पन्स करें तो आई एम ट्राइंग टू से इसके दो से तीन डिफरेंट सिनेरियोस या डिफरेंट सोल्यूशंस आप क्रिएट करें इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स के टू प्लस टू हमेशा आंसर फोर ही रहेगा यहाँ पे आंसर वेरी करेगा और प्राइमरली जिन चीजों पर आंसर वेरी करेगा वो या ऑप्शनलिटी होगी या कार्डिनलिटी होगी एंटिटीज जो डिफाइन करनी है वो मोरोलैस सेम ही रहती हैं मोरोलेस तो जस्ट सी सबसे पहले एक बिल्डिंग की एंटिटी है फ्लोर की एंटिटी है अपार्टमेंट की है रिसीप्ट की है कस्टमर की है ये एंटिटीज वही हैं इनको हमें रिप्रेजेंट कर दिया अब हम ये देखते हैं कि बिल्डिंग टू फ्लोर जो रिलेशनशिप है वो हम क्रिएट करते हैं अब जो मैंने रिलेशनशिप बनाया है उसमें मैंने यह कहा है कि बिल्डिंग कैन हैव कैन हैव इसलिए कि यह लाइन डॉटेड है यानी जीरो जस्ट रिकैप की जो ऑप्शनलिटी थी वो या जीरो हो सकती है या वन हो सकती है तो मैं ये कह रहा हूं बिल्डिंग कैन हैव जीरो और मोर फ्लोर मतलब ये कि बिल्डिंग बगैर फ्लोर के भी बन सकती है मेरी एजम्शन ये है कि बिल्डिंग के अंदर एक या एक से ज्यादा फ्लोर हो सकता है अगर आप ये कहते कि नहीं बिल्डिंग फ्लोर के बगैर नहीं बनेगी तो यू हैव टू जस्ट मेक हार्ड लाइन हेयर तो द होल पॉइंट इज के यहां पे आंसर वेरी करेगा यहां पे हम सॉलिड लाइन भी कर सकते हैं लेकिन उसका मतलब वन होगा अगर इसको वन कर देंगे तो इट वुड बी लाइक दिस इसका मतलब है कि बिल्डिंग बगैर फ्लोर के नहीं हो सकती विच इज करेक्ट ये जानबूझ के मैंने ये क्रिएट किया था ताकि मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा था जब हम इसको वन करेंगे सॉलिड लाइन कर देंगे तो इट वुड बी इट वुट बी वन नाउ दिस इज करेक्ट उसके बाद वन और मोर है मतलब एक बिल्डिंग में एक से ज्यादा फ्लोर भी हो सकते हैं यह बिल्डिंग टू फ्लोर रिलेशनशिप था और ये मैंने स्नैरियो से ही ड्राइव किया है क्योंकि स्नैरियो में ही लिखा हुआ था देर आर मल्टीपल फ्लोरस अब कितने मल्टीपल हैं ये हमें पता नहीं है ठीक है और लॉजिक ये कहती है कि एक फ्लोर होना जरूरी यानी ग्राउंड फ्लोर होगा तो बिल्डिंग होगी उसके बाद फ्लोर से बिल्डिंग ये जरूरी है फ्लोर से बिल्डिंग की जो ऑप्शनैलिटी है वो वन है और जो कार्डिनलिटी है वो फ्लोर की देखने के लिए कार्डनैलिटी आई टू लुक हेयर यहां कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है इसकी कार्डनैलिटी वन है रीजन बहुत सिंपल सा एक फ्लोर एक ही बिल्डिंग का पार्ट हो सकता है ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक फ्लोर मल्टीपल बिल्डिंग का पार्ट हो तो सॉलिड लाइन मुझे ये बता रही है कि इट इज एग्जैक्टली वन एंड फ्लोर जो पार्ट है वो एक बिल्डिंग का है एक से ज्यादा बिल्डिंग का नहीं है रीजन मैंने यहां पे मैनी का साइन नहीं लगाया हुआ अगर मैनी का साइन लगा होता दैट वुड बी रॉन्ग लेकिन जस्ट फर्स्ट एक ऑफ डिस्कशन मैं आपको बता रहा हूं अगर यहां मैनी का साइन होता तो इसका मतलब ये होता कि फ्लोर इज अ पार्ट ऑफ वन और मोर बिल्डिंग दैट इज रॉन्ग लॉजिकल इट इज रॉन्ग एक फ्लोर एक से ज्यादा बिल्डिंग का पार्ट नहीं हो सकता मूविंग फॉरवर्ड फ्लोर से अपार्टमेंट अभी स्नैरू में ही लिखा हुआ था कि फ्लोर कैन हैव जीरो और मोर अपार्टमेंट ये मैंने जानबूझ के इंटेंशनल ही लिखा है जस्ट टू सिमिलर दिस थिंग जीरो और मोर का मतलब क्या है इससे आसान लफ्जों में ये मुराद है कि एक फ्लोर बन गए उसमें अभी अपार्टमेंट नहीं है तो उसका मतलब कतन ये नहीं है कि वो फ्लोर ही नहीं है अगेन अगर फ्लोर के ऊपर अपार्टमेंट नहीं है दिस डज नॉट मीन कि वो फ्लोर नहीं है फ्लोर है लेकिन उस पर अभी कोई अपार्टमेंट नहीं है तो इसको सिमुलेट कैसे करेंगे यहां पे अब मैं सॉलिड लाइन नहीं लगा सकता क्योंकि एक फ्लोर पे कोई अपार्टमेंट नहीं भी हो सकता तो इसको मैंने शो किया है डॉटेड लाइन से इसका मतलब है जीरो फ्लोर कैन हैव जीरो और मोर अपार्टमेंट क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यह कह रही थी कि देर आर जीरो और मोर अपार्टमेंट अब मोर के लिए मुझे कार्डनैलिटी लगानी है और हमें यह पता है कि फ्लोर की कार्डनैलिटी को अगर मैंने जब लिखना है या पढ़ना है तो आई हैव टू लुक एट द ऑपोजिट एंटिटी तो दैट इज अपार्टमेंट उसके बाद अपार्टमेंट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन फ्लोर अब ये स्नेरियो का पार्ट नहीं है दिस इज वेयर योर लॉजिक कम्स इन मतलब ये वो चीज है जो आपने खुद से एज्यूम करनी है एक अपार्टमेंट दो फ्लोर का पार्ट नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अपार्टमेंट किसी फ्लोर का पार्ट ही ना हो मतलब अगर ये लाइन जो कि अभी सॉलिड है दिस इज सॉलिड तो अपार्टमेंट से फ्लोर जो ऑप्शनैलिटी है दैट इज वन बिकॉज ए लाइन सॉलिड है अगर मैं इसको डॉटेड कर दूं तो दैट वुड बी रॉन्ग उसका आसान मतलब यह होगा कि जब मैं लाइन को डॉटेड करूंगा तो अपार्टमेंट कैन बी पार्ट ऑफ जीरो फ्लोर आल्सो विच इज रॉन्ग यानी ऐसा अपार्टमेंट नहीं हो सकता एज फार एज माई नॉलेज गोज जिसमें फ्लोर ही ना हो तो फ्लोर का होना जरूरी है तो दिस लाइन हैज टू बी सॉलिड और यहां पर हम फ्लोर की साइड पे मल्टीपल का साइन भी नहीं लगा सकते क्योंकि एक अपार्टमेंट दो फ्लोर का पार्ट नहीं हो सकता यानी मल्टीपल फ्लोर का पार्ट नहीं हो सकता तो प्रिसाइजली स्पीकिंग अपार्टमेंट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन फ्लोर कार्डिनलिटी भी वन ऑप्शनैलिटी भी वन मूविंग फॉरवर्ड अगली अगली रिक्वायरमेंट ये थी कि जो कस्टमर है वो एक से ज्यादा एक या एक से ज्यादा अपार्टमेंट भी रेंट कर सकता है लेकिन एक अपार्टमेंट को रेंट करने वाला कस्टमर एक ही होगा ऑब्वियसली इन अ गिवन टाइम फ्रेम तो इसको सिमुलेट कैसे करेंगे पहले देखते हैं कस्टमर टू अपार्टमेंट हमने ये कहा था कि कस्टमर कैन रेंट वन और मोर अपार्टमेंट इसका मतलब है कि वो कस्टमर नहीं है जिसने अपार्टमेंट रेंट नहीं किया विच इज ट्रू यानी हम हर चलते फिरते बंदे को कस्टमर नहीं बोलेंगे कोई कस्टमर उस वक्त बनता है जब वो एक्चुअल हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है कि अब वो हाँ अपार्टमेंट रेंट करना चाह रहा है यानी अंडरटेकिंग दे देता है ठीक है तो इसका मतलब है कि दिस लाइन कैन नॉट बी डॉटेड दिस हैज टू बी सॉलिड क्योंकि अ अ कस्टमर कस्टमर शुड शुड एग्जिस्ट या रेंट आउट वन वन अपार्टमेंट का मतलब ये है कम से कम एक तो दिस हैज टू बी सॉलिड क्योंकि इसकी जो ऑप्शनलिटी है दैट इज वन क्योंकि कम से कम एक अपार्टमेंट हमने करना है उसके बाद एक से ज्यादा अपार्टमेंट कैसे करेंगे यानी कम से कम एक से मुराद है एक या एक से ज्यादा तो कस्टमर की कार्नैलिटी हमने अपार्टमेंट की साइड पर लिख दी मल्टीपल दिस विल टेक केयर ऑफ वन और मोर अपार्टमेंट अब अपार्टमेंट को रेंट करने वाला कस्टमर एक ही है तो दिस ऑप्शनैलिटी हैज टू बी सॉलिड और यहां पे कार्नैलिटी वन ही रहेगी यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक अपार्टमेंट को रेंट आउट करने वाले कस्टमर एक से ज्यादा हो जाए दैट वुड बी रॉन्ग एंड द लास्ट रिलेशनशिप इज के रिसीप्ट रिसीप्ट में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अपार्टमेंट की और हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कस्टमर की सो मूविंग फॉरवर्ड वन टू मैनी का रिलेशनशिप है रिसीप का यानी ये डॉटेड लाइन इसलिए है क्योंकि अगर अपार्टमेंट रेंट हुआ होगा तो रिसीव आएगी यानी ऐसा हो सकता है कि अपार्टमेंट रेंट आउट ना हुआ हो दिस नॉट मीन वो अपार्टमेंट नहीं है अपार्टमेंट है रेंट आउट नहीं हुआ लेकिन एक से ज्यादा मतलब रेंट आउट हो सकता है तो इसलिए यहां पर मैनी का साइन है कस्टमर एक या एक से ज्यादा रिसीद जनरेट कर सकता है अब यहां पर एक पॉइंट है कि दिस लाइन हैज़ टू बी सॉलिड ये मैं जानबूझ के कुछ चीजें गलत लिख रहा हूं ताकि मैं डिस्कस कर लू दिस लाइन कैन नॉट बी डॉटेड रीजन के वो कस्टमर नहीं होगा जिसके अगेंस्ट कोई रिसीत जनरेट नहीं होगी तो दिस लाइन हैज़ टू बी कंप्लीटली सॉलिड तो ये मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूं ताकि हम डिस्कस कर सके कस्टमर विल तो पे एटलीस्ट वन रिसीत वन और मोर तो यहाँ पे सिंपल अपार्टमेंट नंबर फॉरन की आएगी और यहाँ पे सी बी फॉरन की के तौर पर आएगी सो दिस इज अंप्लीट ई आर डी अब इसमें एंटिटी भी है एट्रीब्यूट्स भी हैं रिलेशनशिप भी हैं एंड अब आप ये देखें जानबूझ के मैंने दो मिस्टेक आउट की थी जानबूझ के ताकि हम डिस्कस कर सकें तो योर आंसर शुड वेरी आप पहले स्नैरियो के अगेंस्ट खुद ई आर डी बनाएं खुद डाटा बेस बनाएं एंड देन ट्राई टू मैच अप दिस सोल्यूशन